बड़े ही दिव्य कथा है। संत महात्मा कहा करते हैं, प्रभु की असीम अनुकंपा से हमें मानव शरीर मिला है, यह मानव तन मिला है। इसे पाकर के अगर हमने सत्कर्म नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, भजन नहीं किया, परहित परोपकार नहीं किया, जिभ्या पाकर के प्रभु के नाम का संकीर्तन नहीं किया, तो ये मानव तन बेकार है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए हमें कर्म करते हुए थोड़ा थोड़ा सत्कर्म अध्यात्म की ओर भी लगे रहना चाहिए। वह देह नहीं जिससे जग में कब हूं पर काज निभाया नहीं, रसना वह काट गिरे जिससे हरि नाम सुधा बरसाया नहीं, ये फाट परे जिसमें प्रभु का मनमोहन रूप समाया नहीं, यदि पाया न रक्षित राघव को तो जीवन में कुछ पाया नहीं। मानव तन पाकर के सत्कर्म नहीं हुआ तो यह शरीर विकार है। जिभ्या से भगवान का नाम नहीं लिया तो जिभ्या गल करके गिर जाए। इस हृदय में वह भगवान की सुंदर झांकी अगर विराजमान नहीं है तो इस हृदय को फट जाना चाहिए। संसार में सारी वस्तुओं को हमने बटोर करके अपने घर में रख लिया, सब पा लिया, लेकिन अगर परमात्मा को नहीं पाया तो इस संसार का जो वैभव है सब बेकार है। जैसे आप देखें, जब एक अंक लिखते हैं उसके बाद फिर जीरो 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 लगाते हैं तो 100 होता है, 1000 होता है, लाख होता है, करोड़ होता है, बढ़ता जाता है ना। और उस अंक को निकाल दें तब कई जीरो लिख दें और अंक निकाल दें तो फिर कोई जीरो का कोई महत्व है नहीं है ना। इसी तरह है, राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। भगवान का नाम जो है एक अंक की भांति है, और संसार के जो साधन हैं, सुख सुविधाएं हैं, जो वैभव है, ऐश्वर्य है, ये सब शून्य की भांति है। इसलिए अंक को पकड़ करके रखें ताकि शून्य का महत्व रहे। यह बात हमेशा सत्संग में, कथाओं के बीच में बताई जाती है, समझाया जाता है, क्योंकि यही सब भूल जाता है। और संसार के कोई कार्य नहीं भूलते हैं, केवल भगवान ही भूलते हैं, उन्हीं को हम आप भूल जाते हैं, परिवार को नहीं भूलते हैं। बेटा बेटी बहू पोता सब याद हैं, लेकिन भगवान भूल जाएंगे। कभी कभी तो याद ही रहता कि पूजा भी करनी, अरे मैं तो पूजा करना भूल ही गई, इस पोता को खिलाने के चक्कर में थी, इसकी सेवा में लगी रही तो भगवान को भूल गई। भगवान मेरे बेटे, उनको भी नहलाना है, उनको भी भोग लगाना है, है? तो ये होता है। जो शाश्वत है, यथार्थ है, हम उसी को भूल जाते हैं और इस माया के चक्कर में मिथ्या वस्तुओं में लगे रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह श्री राम चरित मानस सुंदर जो भगवान की इसमें कथाएं हैं, इन्हें पढ़ करके अपने जीवन में भी हमें उतारना है। कल प्रसंग चल रहा था, भगवान शंकर और देवी सती जी कथा सुनने जाती हैं। देवी सती महादेव जी के साथ कथा सुनने जाती हैं अगस्त मुनि के आश्रम में, परंतु वहां पर उन्होंने कथा नहीं सुना और फिर भगवान की लीला को देख करके मोह हुआ और उन्होंने भ्रमवश मोहवश माता सीता का रूप बनाती हैं, जिसके कारण भगवान शंकर जी ने उनका परित्याग कर दिया।
ध्यान रखिए, मोह तभी भागेगा जब कथा सुनेंगे। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक मोह नहीं भागेगा। केवल माता सती के जीवन की कथा नहीं है ये, हम आपके साथ भी बात जुड़ी हुई है। मोह कब भागता है? हम संसार में इतने आसक्त हैं, ये संसार के प्रति जो आसक्ति है ये कब दूर होगी? जो मोह है कब दूर होगा? जब भगवान की कथाओं को सुनेंगे। बिनु सतसंग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भागे, अब मोह गए बिन राम पद होए न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के कथा नहीं मिलती है, और कथा के बिना मोह नहीं भागता है, और मोह के भागने के बिना जब तक नहीं भागेगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं हो सकता है। और जब तक ईश्वर के चरणों में प्रेम ना हो तब तक जीव का कल्याण कैसे हो सकता है? तो ध्यान रखिए, कथा ही हमारे जीवन के मोह को मिटाएगा। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, देवी सती जी अपने पिता के यहाँ जाती हैं, यज्ञशाला में भगवान शंकर जी के लिए कोई स्थान नहीं था, यह देख करके उन्होंने उसमें अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। योगाग्नि के माध्यम से सती जी अपने शरीर को जला देती हैं। क्यों? उनका कहना यह है कि जिस पिता ने मेरे पति का तिरस्कार किया है, उस पिता का दिया हुआ यह शरीर है, तो यह शरीर को मैं नहीं रखूंगी, क्योंकि इसी पिता ने मुझे यह शरीर दिया है और इसी पिता ने मेरे पति का तिरस्कार किया है। तो सती कहती है, जो मेरे पति का अपमान करे वह मेरे लिए कभी पूज्य हो ही नहीं सकता है, वंदनीय हो ही नहीं सकता है, उसकी दी हुई कोई वस्तु मेरे लिए हितकर हो ही नहीं सकती है। इस शरीर इस पिता का दिया है, इसलिए मैं इस शरीर को भी त्यागती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। जो मेरे पति का सम्मान न करे उसकी वस्तु से मुझे किस तरह का प्रेम? नहीं होना चाहिए, त्याग दिया उन्होंने।